हाँ भाई, ले लिया कुर्बानी का जानवर। कितने का लिया? अरे यार महंगा ले लिया तुमने। अरे अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है यार आप सबका? भाई ये मैंने इसलिए बात बोली है क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हमें अक्सर आ रहा होता है ना जब हम कुर्बानी कर रहे होते हैं, तो यार वो कुछ लोग होते हैं जिन्होंने ना सिर्फ मज़े लेने के लिए ना और आपको तंग करने के लिए, जलाने के लिए जो है ना सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन करना होता है, भाई तुमने जितने का भी कुर्बानी का जानवर चाहे हमें, तुमने 10,000 रुपये का भी ले लिया ना, महंगा ले लिया तुमने, तुम मुझे साथ लेके जाते मैं तुझे 500 में लेता था जानवर। ये पता नहीं क्यों हमारे अंदर ऐसी एक चीज़ आई हुई यार कि पता नहीं हमने अगले को जो है ना फील करवाना है कि यू आर नॉट इनफ ऑन योर ओन। हाँ, तुम्हें हमेशा किसी दूसरे की ज़रूरत है। यू कैन नॉट मेक योर डिसीजन ऑन योर ओन। तभी आप देखते हो कि यार हमारी पूरी सोसाइटी में ये चीज़ आपको नजर आएगी कि भाई हमेशा अपने डिसीजन लेते वक्त ना हम लोग कभी भी वो कॉन्फिडेंस फील करते ही नहीं। ये नहीं मैं कह रहा कि किसी मशवरा नहीं करना, मगर हम लोग खुद अपने अंदर वो कॉन्फिडेंट फील होते ही नहीं है एज अ सोसाइटी अगर आप देखो तो। खैर देखो, अगर कोई बंदा आपसे पूछता है ना कि यार मैंने जानवर ये लिया कितने का, तो अगर वो सिर्फ इसलिए पूछ रहा है कि यार ठीक है मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, मेरा अपना नॉलेज बढ़ जाएगा और मैंने भी अगर जाके जानवर लेना तो मुझे आइडिया हो जाएगा, मुझे कोई यार चूना छूना नहीं लगा सकेगा मंडी में जाके, तो फिर तो ठीक है यार उसको बताओ कि तुमने कितने का लिया, कोई रेंज बता दो। मगर अगर तुम्हें लग रहा है ना एक बंदा यार तुम्हारे से सिर्फ जो है ना मजाक करने को लगा हुआ है और तुम्हें जो है ना डिमीन करने की कोशिश है, तुम्हें जजमेंटल होने की कोशिश कर रहा है, तो यार उसको मत बताओ प्राइस तुमने कितने का जानवर लिया। होता क्या हमारे लोगों में ना एक चीज है कि यार हमने अगले को हमेशा फील यही कराना है कि यार यू आर नॉट इनफ, तुमने कोई ना कोई गलत डिसीजन मारा, तुम मुझे साथ लेके जाते तो फिर ही जो है ना यू वुड हैव बीन इनफ। तो यार ऐसा मत करो, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो डिस्करेज करने को बैठे हैं। और दूसरी चीज़ ये कभी मत भूलनी, ये बात नहीं भूलनी चाहिए बिल्कुल भी कि हम लोग जो है ना इस चीज़ को हमने बड़ा अल्लाह ताला माफ़ करे मगर हमने खुद इसको कमर्शलाइज कर दिया। अभी हमें मीडिया नहीं बता रहा या अमेरिका या इसराइल जो है ये लोग बैठ के हमें नहीं बता रहे कि तुमने बड़ा ही जानवर लेके आना, ये हमारी अपनी चौधराहट है अंदर से जो बाहर निकलती, कहती नहीं साढ़ा जानवर सब तो वधिया सब तो बड़ा होना चाहिए यार, हमें पूरे मोहल्ले में जाना निकल के दिखाना है उसको। भाई तुम जितना ले सकते हो एज लॉन्ग एज इट इज एक्सेप्टेबल, वो इस कैटेगरी में आ रहा है जहाँ पे वो एक्सेप्टेबल है, भाई लेके आओ यार, तुम इसको कुर्बानी करो, बल्कि मेक इट यू नो नॉर्मलाइज दिस थिंग एज वेल कि भाई जो लोग इतना बड़ा जानवर नहीं कर सकते लेकिन वो एक्सेप्टेबल एक छोटा जानवर कर सकते हैं, तो वो भी कहें यार हाँ यार ठीक है, अगर हमारा मोहल्ले वाला जो है छोटे जानवर से काम चला रहा है तो अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी कबूल करें, हम भी लेके आते हैं यार, ठीक है ना। बजाय से हम कहें यार इतना बड़ा जानवर होगा तो फिर ही वो बाकी सारे लोग भी उतना बड़ा जानवर ही ढूंढते रहे बैठ के। भाई यार देखो इस चीज़ को सोसाइटी में हम लोगों ने खुद करेक्ट करना है, ये हमें कोई चीज़ सिखा नहीं था, ये हमारा अपनी सोसाइटी हमें सिखा रही है, हमारा अपना घर हमें सिखा रहा है और हमारा अपना जो इनर सोल है ना, हमारा जो नफ्स है वो हमें बैठ के जो है इस चीज़ को बता रहा है। या तो इसको मैनेज करना सीखो, कुर्बानी जो है वो बेसिकली सुन्नत इब्राहिमी है और उसका एट द एंड ऑफ द डे दिमाग में ही होना चाहिए यार कि अल्लाह ताला इसको एक्सेप्ट कर ले। क्या फायदा भाई बैठ के आप इतना बड़ा बकरा और ये सब चीजें करते रहो बैठकर, वो कुर्बानी एक्सेप्ट ना हो रही हो, ठीक है उसका क्या फर्क पड़ जाएगा फिर उस चीज का, आपके पैसे भी जो है वो जाया, गोश्त तो आप कहीं से भी खा लो, गोश्त लेने के लिए आपको जो है बकरा तो नहीं करना ना, आप जाके गोश्त वैसे भी लेके आ सकते हो। मैं भी तो भाई दिमाग में इस जज्बे को कभी नहीं भूलना है यार, अपना ख्याल रखें और प्राइसेस वाली बात बिल्कुल नहीं भूलनी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।